गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। चलिए मित्रों, आज अपन देखते हैं एक नया टॉपिक, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इनके क्या यूसेस होते हैं और इंग्लिश में इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है, इन सब की जानकारी अपन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मित्रों, सेंटेंस क्या होता है और इसके क्या प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी करते हैं। सेंटेंस, सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस, एक सेंटेंस क्या होता है, देखिए, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक शब्दों का एक समूह होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होता है, यानी सेंटेंस किससे बनेगा, वर्ड्स से। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई ना कोई पूरा पूरा क्या निकले, सेंस निकले, अर्थ निकले, मीनिंग हो। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता हो वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस की और क्या बात होती है, देखिए, इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, इसकी शुरुआत किससे होती है, कैपिटल लेटर्स, एंड एंड, और ये पूरा होता है विथ फुल स्टॉप, किसके साथ पूरा होता है, फुल स्टॉप के साथ या फिर क्वेश्चन मार्क के साथ, और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, या तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ पूरा होगा या क्वेश्चन मार्क के साथ पूरा होगा या फिर क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। तो ये था सेंटेंस के बारे में कुछ जानकारी। देखिए, अब सेंटेंस में और क्या क्या चीज़ें होती है, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो भी देखते हैं। व्हेन वी फ्रेम अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, फ्रेम करते हैं, सेंटेंस की रचना करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, देखिए, सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है, शुरुआत का जो पार्ट, उसे अपन सब्जेक्ट कहते हैं। वी नेम सम पर्सन, वी नेम सम पर्सन और थिंग, कुछ व्यक्तियों का और थिंग्स का जो नाम देते हैं, इट वर्किंग एज ए सब्जेक्ट, जो किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। मतलब सेंटेंस में आपको यह शो करे कि कोई ना कोई काम हो रहा है और वो करने वाला कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट है, जो उसको जो नाम दिया जाएगा वो क्या नाम दिया जाएगा, सब्जेक्ट नाम दिया जाएगा। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, डूअर, कार्य को करने वाला। इट आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करवाता है किसको, वर्ब को, ये मतलब वर्ब की पहचान करवाता है। सब्जेक्ट का दूसरा काम क्या होता है, वर्ब की पहचान करवाना। एंड गिव्स आंसर ऑफ हु एंड और व्हाट, हु और व्हाट का आंसर कौन देता है, सब्जेक्ट देता है। तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल ये होता है कि वो वर्ब को आइडेंटिफाई करेगा, हु और व्हाट का आंसर देगा, और उसका अर्थ क्या होता है, डूअर, कार्य को करने वाला। सेंटेंस का दूसरा जो पार्ट होता है उसे अपन कहते हैं प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में विधेय के नाम से जानते हैं। से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, उस व्यक्ति के बारे में या उस चीज़ के बारे में, उस वस्तु के बारे में कुछ भी कहा जाता है सेंटेंस के अंदर, वो कहलाता है प्रेडिकेट, क्या कहलाया जाएगा, प्रेडिकेट। इन प्रेडिकेट अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, और या फिर एक्स्ट्रा वर्ड भी हो सकते हैं। इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डूइंग, इट टेल्स, ये हमें बताता है, कौन, प्रेडिकेट, व्हाट द सब्जेक्ट डूइंग, सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, यानी सब्जेक्ट कार्य क्या कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, उसको बताने का काम प्रेडिकेट के माध्यम से करते हैं। तो मित्रों, ये था सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या भाग होते हैं, उसकी जानकारी अपन ने की। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस के कितने टाइप होते हैं, उन सब का एक एक करके अपन अध्ययन करते हैं। मित्रों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है सेंटेंस को पहचानना और उसके प्रकार को समझना, क्योंकि आगे जब अपन अध्ययन करेंगे तो सारा का सारा जो है इंग्लिश का जो बेसिस सेंटेंस के ऊपर ही टिका होता है। तो ये चीज़ें अपने को समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं सेंटेंस के पहले टाइप के बारे में। पहला टाइप होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, यानी सेंटेंस का पहला जो टाइप होता है जिसे अपन बोलते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, देखिएगा, टू से और मेक स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को कहना, कथन को कहना या बनाना, और डिक्लेयर समथिंग, या किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी स्टेटमेंट को बताया जाता है या फिर कोई डिक्लेरेशन की जाती है,
वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ही कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, ही कंप्लीटेड द एक्सरसाइज मतलब उसने कार्य पूरा कर लिया, एक्सरसाइज पूरी कर ली, इसका मतलब ये डिक्लेयर कर रहा है कि उसने कार्य कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने मेरा कार्य कर दिया है, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैंने मेरा कार्य कर लिया। तो मतलब इसमें आप असर्टिव में और डिक्लेरेटिव में कोई ना कोई स्टेटमेंट को या तो डिक्लेयर करोगे या स्टेटमेंट दोगे। इसी टाइप को दो और भागों में बांटा जा सकता है, इट कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के दो और सब टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला सब टाइप्स होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए मित्रों, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव डिक्लेरेशन दिया जाता है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ पर भी होगा उसमें स्टेटमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा इसका टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? स्टेटमेंट नेगेटिव दिया जाएगा। स्टेटमेंट कैसा दिया जाएगा? नेगेटिव स्टेटमेंट, जिसमें नॉट, नो, नेवर इस टाइप के सेंटेंस, इस टाइप के वर्ड यूज़ करके सेंटेंस को क्या बनाया जाएगा? नेगेटिव बनाया जाएगा। तो ये दोनों जो सब टाइप्स है किसके हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के, जिसको अपन सामान्य भाषा में सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ये क्या है? अफर्मेटिव है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि वह इंटेलिजेंट है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज नॉट डल, ही इज नॉट डल, वह कमज़ोर नहीं है, मतलब वह डल नहीं है, कमज़ोर नहीं है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हुआ तो स्टेटमेंट कैसा हो गया? नेगेटिव। दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, लेकिन एक को अफर्मेटिव बनाया गया और एक को क्या बनाया गया? नेगेटिव। यानी जहाँ पे नो, नॉट, नेवर इस टाइप के वर्ड्स यूज हो, इसका मतलब वो सेंटेंस का टाइप कैसा है? नेगेटिव। और नेगेटिव स्टेट जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव का ही पार्ट होता है। तो मित्रों, ये थे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। दूसरा टाइप होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा टाइप होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, इसका यूज करते हैं टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने में इस सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाएगा। दी सेंटेंसेज एंड विद, इस सेंटेंसेज का अंत होता है, मतलब अंत में क्या आता है? मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इंटरोगेशन मार्क आपको मिलेगा। तो इंटरोगेशन मार्क कैसा होता है आप सभी को पता होगा। इंटरोगेशन मार्क आप सभी को इस सेंटेंस, इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उसके अंत में आपको इस प्रकार का साइन मिलने से आपको पहचानने में बहुत ही इजी रहेगा। इट कैन बी स्टार्टिंग विथ, ये सेंटेंस स्टार्टिंग हो सकते हैं, किन किन से बिगिंस हो सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए, दो प्रकार से, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा डब्ल्यू एस वर्ड से। मित्रों ध्यान रखना है, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? देखिए, इट गिव्स आंसर इन यस और नो, इसका आंसर यस या नो में ही दिया जा सकता है। यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जो इंटरोगेटिव है और उस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो उसका आंसर आप यस या नो में ही दे सकते हैं। हिंदी में ऐसे वाक्यों की शुरुआत कौन से शब्द से होती है? क्या शब्द से। हिंदी में ऐसे वाक्यों की शुरुआत कौन से शब्द से होती है? क्या, और अंत में आपको इंटरोगेटिव मार्क मिलेगा। दूसरे टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, डब्ल्यू एस वर्ड, जिसकी शुरुआत किससे होती है? डब्ल्यू एस वर्ड से या डब्ल्यू एस फैमिली से होती है। डब्ल्यू एस वर्ड कौन कौन से? देखिए, हु, होच, हुम, यहाँ पे एम करना है, हुम, विच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है डब्ल्यू एस फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका यूज आप कौन से सेंटेंसेस में करोगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना है। तो मित्रों ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका आंसर यस या नो में देना है और इसका आंसर जो पूछा गया वो ही देना है। और हिंदी वाक्यों की अगर बात करें तो यदि हिंदी वाक्य की शुरुआत आपको क्या शब्द से हो रही है तो उसका इंग्लिश किससे बननी है? हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत होनी है। यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में डब्ल्यू एस वर्ड आ रहा है तो उसकी शुरुआत डब्ल्यू एस वर्ड से बनेगी, यानी आपको सेंटेंस के बिगनिंग में आपको क्या लिखना होगा? डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में डब्ल्यू एस वर्ड के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट,
इस प्रकार से सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको फॉलो करना होगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो देखिए डब्ल्यू एस वर्ड से शुरुआत हो गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, सब यहाँ पे डब्ल्यू एस वर्ड आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ गई इसके बाद में, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब। तो इस सेंटेंस का क्या हो गया स्ट्रक्चर। अगला सेंटेंस देखिए, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं। इसका उत्तर आप यस या नो में ही दोगे ना। जैसे यदि आप जल्दी उठते हैं तो यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर नो आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने, उसका आंसर यस या नो में ही देना होता है। अगला एक और एग्जांपल देखिए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, यानी सेंटेंस कैसा है, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आस्क क्वेश्चन हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस का टाइप क्या है इंटरोगेटिव, और अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन आपको मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, इंपेरेटिव सेंटेंस, इसे क्या नाम देंगे अपन, इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसका क्या क्या यूजेस होते हैं देखिएगा। यूज टू एक्सप्रेस करने में या ऐसा बताने में किसको, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, सजेशन को, कमांड को, एट्सेट्रा। यदि इस प्रकार की चीज़ें आपको यदि बतानी है किसी भी सेंटेंस में तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज आपको करना होगा। वापस से समझ लीजिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, कमांड, इस प्रकार की कोई आपको एक्सप्रेशन देना है तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करना होगा। मित्रों ध्यान रखना, एक वर्ड होता है ए डी वी आई एस ई, और एक होता है ए डी वी आई सी ई। यहाँ पे एडवाइस का मतलब होता है सलाह, इसका मतलब क्या होता है सलाह, और इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। एडवाइस का मतलब क्या होगा, सलाह देना। तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंट है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक ए डी वी आई एस एडवाइस यानी सलाह देना, ये जो सेंटेंस है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब, और ये एडजेक्टिव है जो क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन। तो ध्यान रखें कुछ ऐसे वर्ड, जब भी आपके सामने ऐसे वर्ड आए तो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ें तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से फ्रेम होते हैं, देखिए दीज सेंटेंसेज, इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं स्टार्टिंग विद, इसकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट टुकड़ा होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था हेल्पिंग वर्ब के तीन तीन टुकड़े भी एक सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब टू, हेल्पिंग वर्ब थ्री। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, तो जैसे डू है, डिड है, डज है, वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब सेकंड की अगर बात करें, थर्ड की बात करें, तो देखिए मैं बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, विल हैव बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब के कितने टुकड़े यूज हो रहे हैं, तीन। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट विल हो गई, हेल्पिंग वर्ब सेकंड वह हो गई, और बीन हेल्पिंग वर्ब थ्री हो गई। तो मित्रों ध्यान रखना, आपको एच बी फर्स्ट किस आपको मिलेगा, किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस में। डू नॉट, डू नॉट भी मिल सकता है आपको, लेट भी मिल सकता है, प्लीज, काइंडली, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत आपको हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट से, डू नॉट से, या डोंट से, लेट, प्लीज या काइंडली से मिलेगी। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, दिस सेंटेंस एंड अप एंड विथ फुल स्टॉप, इसकी जो एंडिंग होती है वो किससे होती है, फुल स्टॉप से होती है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव की भी फुल स्टॉप से एंडिंग होगी, और इंपेरेटिव जो सेंटेंस होगी उनकी भी शुरुआत किस एंड किससे होगी, फुल स्टॉप से। इन दिस टाइप सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंसेज में वी कैंट फाइंड सब्जेक्ट, इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें अपन सब्जेक्ट को फाइंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इसमें यू इज अंडरस्टूड, यहाँ पे यू अंडरस्टूड मतलब यू को माना जाता है कि यू ही माना जाएगा, यू जो है शब्द को, यू जो सब्जेक्ट है उसको अंडरस्टूड माना जाता है। एग्जांपल देखिए सेंटेंस के, इस टाइप के जो इंपेरेटिव सेंटेंस के जो एग्जांपल है, देखिए बी क्वाइट, चुप रहिए, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि आप चुप रहिए, तो यू इसमें अंडरस्टूड हो गया, तो इसमें सब्जेक्ट कौन माना जाता है, यू। ऐसा
होता है। देखिए अगला एग्जाम्पल है शट द डोर। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, मतलब आपको क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेकर आओ, इसमें भी आपको क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन, रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है, ऑर्डर भी दिया जा रहा है, मतलब प्लीज़ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, प्लीज़ सिट डाउन, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, प्लीज़ सिट डाउन, तो इस प्रकार का सेंटेंस टाइप क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। चौथा टाइप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होगा, दीज सेंटेंसेज एक्सप्रेसेज, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं एक्सप्रेस करते हैं, जताते हैं या शो करते हैं, विश, प्रे, ब्लेस, कर्स एट्सेट्रा, यानी या तो कोई विश कामना करेंगे आपके लिए, प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद देंगे आपको, कर्स देंगे, श्राप देना, दोष देना, ये सारे जो कार्य हैं, इस प्रकार के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। दीज सेंटेंसेज स्टार्ट विथ मे और विस, इन सेंटेंसेस की शुरुआत किससे होती है, मे और विस से। तो ध्यान रखना ऑप्टेटिव जो सेंटेंस जब भी होगा तो उसमें मे और विस से उसकी बिगनिंग होगी। दीज सेंटेंसेज एंड विथ, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं एंड होते हैं किन से, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मित्रों ये चीज़ ध्यान रखने वाली, जब भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है तो इसमें आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस सेलेक्ट करना होगा। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कैसे होता है, देखिए सीधा एक लाइन होगी और उसके नीचे बिंदी होगी, मतलब इस टाइप से इसका एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। एग्जांपल के जरिए समझते देखिएगा, विश यू हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे, मैं आपके जन्मदिन के खुश होने की या जन्मदिन के हैप्पी होने की कामना करता हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आप लंबी जीवन जिए, इसके लिए मे से शुरुआत हुई और अंत में क्या मिला आपको, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगला एग्जांपल है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, ये क्या किया जा रहा है, विश किया जा रहा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को अपन क्या नाम देंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मित्रों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यही आएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसका सेंटेंस टाइप आपको पूछा जाएगा, तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। कौन से सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक, जिसमें ना आपको क्या क्या फील होगा, देखिए इट यूज टू एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस करने में स्ट्रांग फीलिंग, मतलब स्ट्रांग फीलिंग को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, बताना है, शो करना है, तो आपको किसका यूज करना होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। और सडन फीलिंग, कोई अचानक कोई घटना घटित हो जाए या कोई ऐसी फील हो जाए, फीलिंग आपको हो रही हो, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। इट यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग और सडन फीलिंग ऑफ अ पर्सन सच एज जॉय, एंगर, सरप्राइज, मतलब इस प्रकार की कोई फीलिंग हो यदि आपको शो करनी हो, सेंटेंस में एक्सप्रेस करनी हो, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। इट टेक्स का मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टेक्स एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी जो मार्क्स अभी मैंने डिस्कस किया था, एक सीधा लाइन होगी और इसके नीचे बिंदी लगी होगी, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करना है। इसमें किस प्रकार के वर्ड यूज होंगे, देखिए वर्ड लाइक आहा, ओ, हुर्रा, ब्रेवो, अलाश, फाई फाई, वाव, वाटर, हाउ एट्सेट्रा, इस प्रकार के जो सेंटेंस में वर्ड यदि आपको आए तो सीधा सीधा आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मित्रों बात करें इसके एग्जांपल की, तो देखिए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस मैंने दिया है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो सेंटेंस कैसा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गया, क्योंकि ओ के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल गया और ओ है जो एक वर्ड है जो एक्सक्लेमेशन का है, सडन फीलिंग का है। हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंडी रात है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क का, और ये क्या बता रहा है, स्ट्रांग फीलिंग बता रहा है, मतलब आपकी फीलिंग्स को बता रहा है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्मनाक बात है या कितनी शर्म की बात है, तो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क का, तो सेंटेंस टाइप क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अगला सेंटेंस है गॉड आई एम इन हेवन. गॉड आई एम इन हेवन. हेवन मीन्स होता है स्वर्ग. हेवन मीन्स क्या होता है? स्वर्ग. और इसका अपोजिट हो जाएगा हेल. अपोजिट क्या हो जाएगा? हेल. हेल यानी नरक. तो ध्यान रखें एंटोनिम और सिनोनिम वाला जो टॉपिक है आपके, एंटोनिम और सिनोनिम भी साथ साथ पढ़ते जाएँ. जो जो चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही है गूगल से या कोई डिक्शनरी से, आप उसका एंटोनिम और सिनोनिम ढूंढ के याद रखोगे तो आपके लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. अगला सेंटेंस देखिए, वाओ इंडिया वन द मैच. इंडिया वन द मैच. भारत ने मैच जीत लिया. ये क्या हो रहा है? सडन फीलिंग, मतलब आप में ये कोई अचानक फीलिंग आई और उसको आप एक्सक्लेमेशन के रूप में बता रहे हो. तो ये सेंटेंस का टाइप क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो मित्रों यह था आपका टॉपिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस. मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. मित्रों याद रखने वाली चीज़, ये जो आपका आज का टॉपिक था बहुत ही इम्पोर्टेंट. आगे जो जो भी आप चीज़ें पढ़ोगे उसमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. यदि आप इंग्लिश को और ज़्यादा समझना चाहते हो तो उससे पहले आपको इस टॉपिक को, सेंटेंस के टाइप को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए ताकि आपको आगे अध्ययन करने में कोई दुविधा ना हो. मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक, अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इन ऐसी क्लासों का लाभ मिल सके और वे भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार व धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे.